स्टार हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। इस साल विधानसभा का चुनाव होना है बिहार में, दो से तीन महीनों में इसको लेकर जो है वह सियासी सरगर्मी काफी बढ़ चुकी है पिछले कुछ दिनों से, और इसको लेकर बार बार ये चर्चा की जा रही है कि आखिर महागठबंधन नेता कौन बनेगा, महागठबंधन का नेता कौन बनेगा, किसके चेहरे पर चुनाव लड़े जाएंगे। इन तमाम मुद्दों को लेकर महागठबंधन के नेता रालोसपा के नेता अभिषेक झा ने सीधे तौर पर एनडीए पर प्रहार किया है। वो क्या कुछ कह रहे हैं आप सुनिए। एनडीए के लोगों को इस बात की चिंता हो रही है कि महागठबंधन का नेता कौन होगा। अरे आप लोगों को इस बात की चिंता होनी चाहिए थी कि कमोवेश 15 वर्षों से बिहार की सत्ता आपके हाथ में है, बिहार की बागडोर आपके हाथ में है, और हरेक क्षेत्र में बिहार का बेड़ा गर्क हो चुका है। स्वास्थ्य का क्षेत्र देख लें, शिक्षा का क्षेत्र देख लें, हर एक क्षेत्र में बिहार फिसड्डी साबित हुआ है। आप लोग इस बात को जान भी चुके हैं कि जनता इस बार आपको मैंडेट नहीं देने वाली है। महागठबंधन इस बार जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, कार्रवाई, सुनवाई के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने वाला है। चुनाव में निश्चित रूप से महागठबंधन की जीत होगी, और महागठबंधन का नेता कौन होगा यह तय कर लिया जाएगा समय रहते, यह कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ा कुछ है तो वह है जनता का मुद्दा। अब इस बात से ध्यान भटकाने के लिए आप महागठबंधन के बारे में कुछ भी भ्रामक बात कह सकते हैं ताकि आपकी जो भी उम्मीदें हैं वह पूरी हो जाए, लेकिन कभी ऐसा हो नहीं पाएगा। तो आपको अपना ध्यान जब तक आप सत्ता में हैं महागठबंधन के अंदर के मामलों से ज्यादा जनता की सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि बिहार अभी दोहरी मार झेल रहा है। कोरोना जैसी महामारी और बाढ़ की विभीषिका ने बिहार को परेशान कर रखा है, तो कृपया कर महागठबंधन पर ध्यान न लाएं और जो जनता के प्रति आपकी जिम्मेदारी है उसे पूरा करने की कोशिश करें। तो आपने सुना किस तरीके से उन्होंने कहा कि एनडीए यह चिंता करना बंद कर दे कि महागठबंधन का नेता कौन होगा, वो फिलहाल चिंता के लिए बिहार के हालात को सुधारने की, आने वाले वक्त में एनडीए के कारनामों का जो है फल उसे मिल जाएगा, जनता उसे बुरी तरीके से हराएगी। तमाम बातें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा के नेता अभिषेक झा ने बढ़ रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने तक आज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।